क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू एंटरटेनिंग अपडेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले नमित शाह के बारे में, एके कबीर जायसवाल। बाय द वे हमारा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर हिट कर चुका है, आप सभी को बहुत सारा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। 10,000 सब्सक्राइबर हिट करने के खुशी में जल्दी ही एक गिव अवे आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों उन्होंने उनका एक्टिंग का करियर शुरू किया था 2009 एडवर्टाइजमेंट्स में। उन्होंने रिबॉक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट में भी अपियर हुए थे महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ, और उसी साल उन्होंने 4 सीरियल्स में अपियर हुए थे जिनके नाम थे जीत जाएंगे हम, सपना बबूल का बिदाई, माता की चौकी, मितवा फूल कमल के, और 2010 में उन्होंने ब्रेक के बाद मूवी में अपियर हुए थे। उधर उन्होंने यंग अबे का रोल प्ले किया था दीपिका पादुकोण जी और इमरान खान के साथ। इधर उन्होंने कमाल की एक्टिंग किया था, और एक साल के बाद 2012 में उनको स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर शो में एक्टिंग करने का मौका मिला था। आई एम श्योर ये सभी को पता है कि उन्होंने कबीर जायसवाल का रोल प्ले किया था। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये शो बहुत ही हिट हुआ था और उनका एक्टिंग इधर बहुत ही कमाल का था, सो इधर से उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुआ था। आज भी उन्हें बहुत सारे लोग कबीर नाम से ही पहचानते हैं, क्योंकि इधर उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। और 2013 में उन्होंने मैं कृष्णा हूँ मूवी में अपियर हुए थे। इधर उन्होंने कृष्णा का रोल प्ले किया था, और इस मूवी के बाद उनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था। इस मूवी में उन्होंने ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ के साथ एक्टिंग किए थे, और उसी साल उन्हें रामाया वस्तावया मूवी में एक्टिंग करने का मौका मिला था। इधर उन्होंने रघुवीर का कैरेक्टर प्ले किया था। और 2014 में उन्होंने अपियर हुए थे हसी तो फसी मूवी में। इधर उन्होंने निखिल भरद्वाज का रोल प्ले किया था परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, और उसी साल उन्होंने एक सीरियल में भी एक्टिंग किए थे जिसका नाम था बालवीर। इधर उन्होंने जयवीर का कैरेक्टर प्ले किया था। 2014 में उनका दूसरा मूवी आया था जिसका नाम है राजा नटवरलाल। इधर उन्होंने विक्की का कैरेक्टर प्ले किया था इमरान हाशमी जी के साथ। और 2015 में उन्होंने अपियर हुए थे एक सीरियल में जिसका नाम था गोल्डी आहूजा मैट्रिक पास। इधर उन्होंने हैरी पूजा का रोल प्ले किया था। और 2019 में उन्होंने और एक सीरियल में अपियर हुए थे जिसका नाम था खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी। इधर उन्होंने नाना साहेब का रोल प्ले किया था, और इस तरह उन्होंने एक सक्सेसफुल चाइल्ड एक्टर बने थे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किए थे, जैसे कि दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा और इमरान हाशमी जी के साथ। इस तरह उन्होंने उनका एक्टिंग का करियर में बहुत ही सफल रहे। अब अगर आप पूछोगे नमित शाह जी यानी कि कबीर जायसवाल अभी क्या करते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, नमित शाह जी अभी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है रियलैक्स्ड। इधर नमित जी डेली व्लॉग्स और गेमिंग करते हैं। अगर आप स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर का बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी बायोग्राफी देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।